स्टूडेंट्स बच्चे आजकल जल्दी ये पूछना चाहते हैं कि जब वो एमएससी केमिस्ट्री करेंगे तो क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके लिए हैं इंडिया में या अब्रॉड। तो इसके लिए मैंने सोचा चलो सारा डाटा कलेक्ट करके बच्चों की नॉलेज के लिए दीज अपॉर्चुनिटीज जो भी आफ्टर डूइंग एमएससी हैं वो बच्चों को बताई जाए। तो पहले तो जब बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जनरल ब्रांचेस हैं जिनमें एमएससी के बच्चे जो हैं वो एडमिट किए जाते हैं। तो बेसिक कोर्स तो जनरली एमएससी केमिस्ट्री होता है, लेकिन उसमें डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होती है। और ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो तीन स्पेशलाइजेशन जो मोस्ट कॉमन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये तीन ब्रांचेस जो हैं स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो कॉमन है कि ये जनरली होती हैं। एंड इन सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस एडिशनल टू मोर ब्रांचेस एनालिटिकल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री तो बहुत रेयर है बिकॉज बायोकेमिस्ट्री की तो इटसेल्फ एमएससी भी एडिशनल चलती है कई जगह। बट ये जो चार ब्रांचेस हैं ये काफ़ी इंस्टीट्यूशंस में होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल। ये तीन तो कॉमन है, चौथी कई जगह एनालिटिकल केमिस्ट्री की स्पेशलाइजेशन भी कुछ इंस्टीट्यूशंस देते हैं। और फिर जो स्पेशलाइजेशन आप करते हैं उसके बेस पे आगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, और वो आपको गवर्नमेंट जॉब्स भी मिल सकती हैं, प्राइवेट जॉब्स मिल सकती हैं। और जो ये फिफ्थ स्पेशलाइजेशन है जैसे बायोकेमिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि इसकी तो कई जगह एमएससी बायोकेमिस्ट्री भी चलती है। तो ये बेसिकली बायोलॉजिकल केमिस्ट्री आप कह सकते हैं कि अगर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर हम एमएससी केमिस्ट्री में चलाएं तो ये बेसिकली बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोलॉजिकल केमिस्ट्री आप इसको बोल सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्पेशलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट फिर आगे हमें जॉब मिलती है। तो जनरल एरियाज जिसमें एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद हमें जॉब मिल सकती है वो बेसिकली आफ्टर डूइंग एमएससी केमिस्ट्री आप या तो हायर एजुकेशन में जा सकते हैं जैसे एमटेक कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और देन गवर्नमेंट जॉब्स आपको मिल सकती हैं एमएससी केमिस्ट्री के बेस पे, ये जनरल एरियाज हैं। फिर आप टीचिंग में जा सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री करके। फिर आपको फॉरेन कंट्रीज में भी जॉब्स मिल सकती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। फिर आपको इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है एमएससी केमिस्ट्री करके, और इंडस्ट्री केमिकल इंडस्ट्री भी हो सकती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हो सकती है, और भी कई तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम आगे वाली स्लाइड्स में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं जहाँ जॉब की पॉसिबिलिटी है। फिर R&D लैब्स में भी जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे या परमानेंट रिक्रूटमेंट भी आपको मिल सकती है आफ्टर डूइंग एमएससी केमिस्ट्री। और ये R&D लैब्स गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती है। सो आगे हम इन छह जनरल एरिया जो हमने यहाँ लिखे हैं उनमें एक एक में देखेंगे कि कैसे हमें जॉब्स मिल सकती हैं। सो जहाँ तक हायर एजुकेशन का ताल्लुक है जैसे मैंने बताया कि आप एमटेक कर सकते हैं या पीएचडी कर सकते हैं। एमटेक मोस्टली जो है आईआईटीज में या एनआईटीज में या सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जो है बच्चे प्रेफर करते हैं अगर उनको एमटेक करनी है। जबकि अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर या डिफरेंट आईआईटीज, अब तो बहुत आईआईटीज नई भी खुल गई हैं
डिफरेंट स्टेट्स में। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये 7-8 इंस्टीट्यूशन जो है अभी खुल चुके हैं, इनमें भी आप PhD कर सकते हैं। देन नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब में आप M.Tech या PhD कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर MSc केमिस्ट्री। देन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तो ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ भी आप PhD कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर MSc केमिस्ट्री। देन हर स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं आजकल, गवर्नमेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, देन स्टेट में सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ दे हैव ऑल्सो कम अप, तो वहाँ भी आप M.Tech या PhD कर सकते हैं। और देन इक्वलेंट टू दिस NITs, देर आर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, और भी जो सेंट्रली फंडेड जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं, जिसको हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते थे, आजकल उसका नाम चेंज होके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया है, तो उसके अंडर डायरेक्टली फंडेड जो इंस्टीट्यूशन है वो आते हैं, जैसे ये संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, ये भी एक सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, तो आप यहाँ पे भी M.Tech या PhD कर सकते हैं। और भी संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट की तरह और भी 3-4 इंस्टीट्यूशन है, जैसे एक नीरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में मालदा में इंस्टीट्यूशन है, और भी 4-5 इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आप M.Tech या PhD आफ्टर MSc केमिस्ट्री कर सकते हैं। देन एक आपके पास फिर ऑप्शन अब्रॉड जाने का है MSc केमिस्ट्री करके, के यू कैन गो टू US, UK, कैनेडा, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन की अदर कंट्रीज एक्सेप्ट जर्मनी, देन जापान, सो आप हायर स्टडीज के लिए इन कंट्रीज में भी जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर MSc केमिस्ट्री डिग्री। देन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हम CSIR कहते हैं, जो कि हमारा CSIR UGC का नेट भी लेते हैं, तो वो भी जो है उनकी ऑल ओवर इंडिया अबाउट 40 लेबॉरेटरीज हैं, जहाँ पे उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ भी आपको प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट असिस्टेंट रखा जा सकता है इन दोज प्रोजेक्ट्स इन दीज CSIR लैब्स। और बाद में अब जो CSIR लैब्स है उनको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर दिया है, एंड दे हैव बिकम डीम्ड यूनिवर्सिटीज के वो PhD भी करवा सकते हैं, तो अब इवन CSIR लैब्स में भी बच्चों के पास स्कोप है कि वो वहाँ पे भी PhD कर सकते हैं। तो ये तो हायर एजुकेशन के प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो MSc केमिस्ट्री के बाद बच्चे कर सकते हैं। जहाँ तक IISc या IITs या IISERs या NIT या CFTIs हैं, तो यहाँ तो मोस्टली जो M.Tech की एडमिशन्स हैं, तो ये ओनली गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स दे आर टेकन फॉर एडमिशन टू M.Tech प्रोग्राम्स, लेकिन अगर कहीं कोई सीटें थोड़ी बहुत खाली रह जाती हैं गेट कैंडिडेट्स भरने के बाद, उसके बाद फिर नॉन गेट कैंडिडेट्स को भी रख लिया जाता है, लेकिन जो गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। बाकी PhD एडमिशन में भी जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस में आपको फेलोशिप मिलता है अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं या नेट क्वालिफाइड, सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन इन दीज टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देन सेकंड ऑप्शन आपके पास टीचिंग का है, और ज़्यादातर बच्चे जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो प्रेफर टीचिंग को करते हैं, और डिफरेंट आजकल डिफरेंट टाइप्स के ट्यूटर्स या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स वो रिक्वायर्ड होते हैं, और MSc के बाद बच्चे स्कूल टीचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल टीचिंग के लिए इन एडिशन टू योर MSc आपको BEd भी करना होता है, और आजकल स्कूल टीचर लगने के लिए एक टेट का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी पास करना होता है,
टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी होता है और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे भी होता है। तो इफ यू कैन क्लियर दो दैट टेट एंड डू योर बीएड डिग्री, देन यू कैन गो फॉर स्कूल टीचिंग आल्सो। उसके बाद कॉलेज टीचिंग है। कॉलेज टीचिंग के लिए आपके लिए जो है नेट क्वालिफाई केमिस्ट्री में करना जरूरी है अगर आपको कॉलेज टीचिंग में जाना है, क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर ए टीचर टू बी अपॉइंटेड इन द कॉलेज इज एमएससी विद नेट। सो अगर आप अपनी एमएससी के बाद नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कॉलेज टीचिंग के लिए भी जा सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन ट्यूटर और ऑफलाइन ट्यूटर आपने देखा है कि आजकल बड़े ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो इन द फॉर्म ऑफ एकेडमीज एट द स्टेट लेवल और इवन एट द नेशनल लेवल यू विल सी दैट डिफरेंट अकेडमीज आर देयर लाइक बायजूस एंड अदर आकाश। ये सारे जो अकेडमीज हैं ये ऑनलाइन ट्यूटर्स और ऑफलाइन ट्यूटर्स जो हैं एम्प्लॉय करते हैं, और इनको ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट का नाम देके तो आपको ये 3 से 5 लाख रुपया पर ईयर पे जो है एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं जनरली इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ट्यूटर और ऑफलाइन ट्यूटर। देन दीज अकेडमीज विच आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वो भी आपको टीचिंग असाइनमेंट्स देते हैं कि जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए वो अपना मटेरियल तैयार करवाते हैं, और प्लस वहाँ भी आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज वो एम्प्लॉय कर सकते हैं। देन डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस आल्सो दे रिक्वायर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स एंड दे कैन बी टेकन एज टीचर्स इन दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। उसके बाद फिर डिफरेंट सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो लैब्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वहाँ पे भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं, और ये जॉब आइदर सीनियर सर्च एसोसिएट हो सकता है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हो सकता है, रिसर्च एनालिस्ट हो सकता है, रिसर्च ऑफिसर हो सकता है, वेयर हाउस सुपरवाइजर हो सकता है। देन ज़्यादातर पोस्टें जो है केमिस्ट की या असिस्टेंट केमिस्ट की आफ्टर एमएससी केमिस्ट्री आपको मिलती हैं। डेवलपमेंटल सुपरवाइजर हो सकता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एनालिस्ट हो सकता है। तो ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती हैं, और इनमें से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है आफ्टर डूइंग योर एमएससी केमिस्ट्री। देन डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डिफेंस के लिए सारी रिसर्च वगैरह जो है वो डीआरडीओ के थ्रू होती है, तो वहाँ भी ये जो है आपको केमिस्ट या असिस्टेंट केमिस्ट या सीनियर सर्च एसोसिएट या इनमें से कोई भी जो वैकेंसी इन लैब्स में निकलती है तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। देन एक सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर है, वहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद। देन एनटीपीसी में आपको केमिस्ट या असिस्टेंट केमिस्ट की जॉब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में मिल सकती है। फिर पेट्रोलियम कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की, जैसे भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, या ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन है, ONGC। सो इन कंपनीज में भी जो है आपको जॉब एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद मिल सकती है। फिर बार्क में भी, भाभा अटोमिक रिसर्च सेंटर में, एटॉमिक केमिस्ट्री में आपको जो है रिसर्च के लिए या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो एमएससी केमिस्ट्री के बाद मिल सकती है। लेकिन इन सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक है कि इनकी जो रिक्रूटमेंट है
वो इनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है, जो कि बड़ा ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने 5 या 10 वैकेंसीज के लिए 8-8, 10-10 हज़ार एप्लीकेशंस यहाँ पे आती हैं, क्योंकि इनकी जो जॉब अगर यहाँ हमें मिलती है तो बहुत ही कंफर्टेबल और वेल पेइंग जॉब होती है गवर्नमेंट। देन प्राइवेट इंडस्ट्री में आपको बहुत तरह की जॉब्स हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स दीज डेज जो है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में ही है। सो इसमें आपको अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो फार्मेसी असिस्टेंट, अगर मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल रिसर्च पे है तो क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, अगर टॉक्सिकोलॉजी की है तो टॉक्सिकोलॉजिस्ट आपको रख सकते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट रख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल, देन सेल्स एग्जीक्यूटिव जिसे हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं वो भी आप जॉब कर सकते हैं, देन प्रोडक्शन केमिस्ट, R&D केमिस्ट, एनालिटिकल केमिस्ट। तो आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसको देखते हुए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स जो हैं इंडस्ट्री में मिल सकती हैं। और मेजर इंडस्ट्रीज जहाँ MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट्स को जॉब मिल सकती है वो केमिकल इंडस्ट्री है, कि जहाँ पे केमिकल सिंथेसिस वगैरह होती है जिस इंडस्ट्री में, तो जैसे रेडीज लेबोरेटरी हो गई या और भी कई तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज है, रनबैक्सी हो गई, तो इन तरह की इंडस्ट्रीज में आपको केमिस्ट की, एनालिटिकल केमिस्ट, R&D केमिस्ट, प्रोडक्शन केमिस्ट, तो इस तरह की जॉब आपको यहाँ मिल सकती है। देन पेपर इंडस्ट्री में है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में है, पॉलीमर इंडस्ट्री में है, सो इन सभी इंडस्ट्रीज में आपको MSc केमिस्ट्री को जॉब मिल सकती है। देन अगर किसी ने टेक्सटाइल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन पढ़ी है तो उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जॉब मिल सकती है, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट को भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है। वो टेक्सटाइल में अगर R&D हो या प्रोडक्शन हो या एनालिटिकल हो, एनालिटिकल केमिस्ट को तो हर तरह की इंडस्ट्री में जॉब मिल सकती है, क्योंकि हर तरह की इंडस्ट्री में सेम एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूज होती है फॉर द एनालिसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, तो एनालिटिकल केमिस्ट इज इन हाई डिमांड इन ऑल द इंडस्ट्रीज। देन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी आपको जॉब मिल सकती है, आजकल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बहुत जो है काम हो रहा है, वहाँ भी बहुत जॉब्स मिल सकती हैं। देन जो इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के बच्चे हैं उनको जैसे सिरेमिक एंड सीमेंट इंडस्ट्री है वहाँ जॉब मिल सकती है। तो मेजर जो जॉब्स हैं आजकल बच्चों के लिए वो इंडस्ट्री में ही, तो आपको बहुत तरह की जॉब्स जो हैं वो इंडस्ट्री में मिल सकती है। देन जैसे मैंने बताया था R&D लैब्स में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं या उनकी परमानेंट रिक्रूटमेंट होती है, तो MSc केमिस्ट्री करने के बाद आप डिफरेंट जॉब जैसे CSIR की लैब्स है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, देन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब मिल सकती है, DRDO, बार्क में मिल सकती है, देन इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, वहाँ भी MSc केमिस्ट्री को जॉब मिल सकती है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च तो वहाँ पे भी MSc केमिस्ट्री को जॉब मिल सकती है। सो ये सारी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट में आपको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जॉब मिल सकती है और फिर अल्टीमेटली आपको परमानेंट अब्सॉर्प्शन आपकी हो जाती है अगर आप इनके जो काम है इन इंडस्ट्रीज लैब्स के उसमें फिट हो जाते हैं। देन जिस तरह से ये गवर्नमेंट की R&D लैब्स है, तो इंडिया में बहुत आजकल R&D लैब्स जो है वो प्राइवेट भी है, तो वहाँ पे भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी कोलैबोरेशन इवन फॉरेन जो है R&D लैब्स है उनके साथ होती है, तो वहाँ बड़े बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आजकल चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपको या तो प्रोजेक्ट में जॉब मिल सकती है और इवन दे रिक्रूट परमानेंटली आल्सो। सो बेस्ड ऑन दिस देर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स डूइंग MSc केमिस्ट्री।
ये बच्चों को सोचना है कि उनको गवर्नमेंट जॉब में जाना है या इंडस्ट्री में जाना है या उनको टीचिंग में जाना है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इंटरेस्ट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग योर जॉब्स, दीज आर माई ईमेल एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।